क्या नाम है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ड्राइवर भी जा रहे सारे लोग ना? हाँ सर। एग्जामिनर ड्राइवर फी है ना? ऑपरेटर हो? अच्छा एग्जामिनर में जा रहे हो, ठीक है। आप एग्जामिनर, आप तीन ड्राइवर, ठीक है ठीक है। ये सैलरी सबको पता है अपनी अपनी? यस जी। क्या है? 450 प्लस खाना फ्री। ड्यूटी पता है? टेन आवर ने इंटरव्यू दियो, तुम 10 आवर क्यों बोल रहे हो? इंटरव्यू हुआ है सबका ना? हाँ सर। है बताया गया था ना? कहाँ इंटरव्यू हुआ था आपको? देवरिया। देवरिया आपका? दिल्ली में। दिल्ली में देवरिया, आप लोग देवरिया हो ना? सबको मैं दिल्ली में हूँ। हाँ दिल्ली में जिसका भी हो सबको बताया गया था ना इंटरव्यू बात की? 11 घंटे ड्यूटी, 1 घंटे लंच, $450 प्लस खाना। एग्जामिनेटर का ओटी का गारंटी नहीं है, ड्राइवर का भी गारंटी, किसी का ओटी का नहीं होता किसी देश में। बाकी ट्रिप रहती है, जब काम ज़्यादा रहता है तो मिलता है, कभी कभी कम रहता है तो नहीं मिलता। ठंडी वंडी आती है, अभी शुरू हो रहा है, अभी भी जाओगे तो शायद ना ही मिले। जब काम फॉर्म में एकदम हो जाता है नॉर्मल समय पे तो मिलता है ठीक वगैरह। ठीक है ठीक है। कोई कन्फ्यूजन है? कंट्री कैसा है बताया गया था? कैसा देश है? ठंडा देश है ना? ठंडी में 2 महीना -15-16 degrees होता है, पता है ना? बताया गया था ना, ठंड भी पड़ती है, पहाड़ है, वो शहर वाली हाई फाई व्यवस्था नहीं मिलती है। बताया, पता है ना? गाँव लड़के हैं आपके गाँव लड़के, तो आपको बताया होगा कैसा है वहाँ पे, कि पहाड़ी है, हाइड्रो प्रोजेक्ट है। पहाड़ में क्या होता है कि लेटरिंग वोटरिंग जो रहती है उतना व्यवस्थित नहीं रहती, कभी कभी साइड वाइड पे क्या होता है वो टेम्परेरी बना दी जाती है। पता है? पता कर लो ठीक है। वो 5-star होटल वाली रेटिंग नहीं मिलेगी। और कैंप होता है, कैंप में मिलजुल के रहना पड़ता है, एकदम लगा जरा सा कोई कपड़ा भाग गया तुम ड्रामा खड़ा कर दो, वीडियो बना के गंदा था ये था। कभी कभी क्या करते हैं, इतना भी कर देते हैं लेटरिंग करके जाते हैं, पनिये नहीं डालते तो मैनेजर तो पानी डालने नहीं आएगा ना। ज्यादा क्लीनर को बुला के दिखा दो, नहीं कोई सुन रहा है हमसे बताओ, कुछ ऐसा हो सकता है। मगर उसका वीडियो बना के करोगे तो तुम्हारी हेडेक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, घर में नहीं जा रहे हो 5-star में, है कि नहीं? तो ऐसी कभी कभी दिक्कतें थोड़ी मोड़ी आती है कि कोई गया, क्योंकि 50 ड्राइवर एक ही में जाएगा ना, मतलब लाइन से बनी है 10 बनी है तो 50 ड्राइवर तो 5-5 एक ही में जाएगा कम से कम ना, अभी गिन के थोड़ी जाएगा 5 चला गया 5, कभी पता है आगे जो है उसी में सारे लाइन से जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हें खड़ा रहना पड़ेगा, जितना आदमी है उस हिसाब से वहाँ पर्याप्त बनी हर साइड पे, बड़ा आपको प्रोजेक्ट है, हर चीज है ठीक है। सैलरी क्या है? $450 अमेरिकन डॉलर, खाना फ्री, ट्रक ड्राइवर हो ना? ये भी बताओगे पहाड़ी वाड़ी हाइट वाइट रहती है? पहाड़ी वाड़ी डर तो नहीं था किसी को? है ना, मशीन एक्सएमजी मशीन है, 10-13 ट्रक होती है ना, उससे भी थोड़ा हैवी होती है ये, वो लंबी होती है, लंबी ज्यादा नहीं होती बट चौड़ी ज्यादा होती है, एक्सएमजी मशीन होती है। इसमें 2 ऑपरेटर लगते हैं, इस ट्रक पे 2 लगते हैं, एक इधर बैठेगा एक इधर बैठेगा, एक असिस्टेंट एक ड्राइवर, एक चलाएगा एक बताएगा साइड। ये बहुत तेज नहीं चलती है, ये बहुत चलेगी 30-40 की स्पीड से ऊपर चल भी नहीं करती है ठीक है। और सिविल एरिया में नहीं चलाओगे, पहाड़ी में चलाओगे, पब्लिक एरिया में नहीं रहोगे आप लोग, उसका अपना बाउंड्री रहेगा 25-30 किलोमीटर का, उसी के अंदर में रहना है, अपना एक सब लोग अपना शहर बना रखा है ठीक है। लड़की उड़की देखने को नहीं मिलती पहले बता दे रहा हूँ, पता है ना, यही चाहिए मन में लगे लड़की नहीं देखने, सोच रसिया नहीं है, रसिया नहीं तजाकिस्तान है, रसिया का पार्ट है, रसिया का पार्ट है, मेन रसिया नहीं है। नहीं कुछ लोग दिमाग में रसिया जा रहे हैं, रसिया नहीं है, नहीं रसिया ढूंढने जा रहे हो तो रसिया नहीं मिलती, तजिक मिलती वैसे ही होती है जैसे रसियन होती है वैसे वो भी होती है ठीक है। पूछना है मुझसे किसी को? नहीं पूछ लो, कुछ कन्फ्यूजन हो काम रहना, इंडियन फूड मिलेगा, बाकी अपना खाने पीने का नॉन वेज वेज होता है दोनों कैंप पे, वहाँ पे एक कैंप कंपनी का जिसमें सारा व्यवस्था है, VVIP कैंप है वो, मगर उसमें बीफ होता है, तो बीफ तो हिंदुस्तान में बहुत कभी हिंदू तो खाएंगे नहीं, मुस्लिम में कोई खाता हो तो उसका चॉइस है, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है ठीक है। अपने हिसाब से देख लेना, इंडियन मेस भी है जहाँ शुद्ध शाकाहारी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है, एक स्पेशल मेस है जिसमें तजिक फूड भी मिलता है, जो पसंद हो वो खाओ, खाने पीने में दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत है तो आपको एग्रीमेंट मिला है, कोई कंफ्यूजन हो कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि भगवान तो है नहीं सबको सेट कर देंगे एक बार में, 19-20 हो सकता है भाई, बड़ी कंपनी 8-9 हज़ार आदमी है तो 19-20 होता है कभी कभी, तो उसके लिए आप अपने एजेंट को बताओ, एजेंसी को बताओ, हमारा नंबर अभी जाते समय मिलेगा ऑफिस का, तो कोई प्रॉब्लम हो हमें बताओ ठीक है, प्रॉब्लम बताओ, बाकी एजेंट करोगे तो ब्लॉक कर दिया होगा, प्रॉब्लम हो तो बताओ, 10 अगर कोई बड़ी समस्या है तो 15 दिन समाधान में लगेगा, छोटी मोटी समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं हो तो हाथों सॉल्व हो जाएगी ठीक है। नेतागिरी, धरना प्रदर्शन, दारू पीना, स्ट्राइक करना, इसमें टर्मिनेट हो गया, ऑफिस एजेंट एजेंसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी सैलरी की है, खाने की है, रहने की है, ट्रिप मिलेगा उसके पैसे की है, तुम्हारे वीजा की है,
काम नहीं देती कंपनी, हम जिम्मेदार है। वीजा कोई कमी, हम जिम्मेदार है। समय से पहले वापस करती है बिना किसी समस्या के अपनी वजह से, तो हम जिम्मेदार हैं। नेतागिरी करोगे, काम नहीं करोगे, यूनियनबाजी करोगे, वीडियो बनाओगे, ये सब करोगे, तुम जानो कंपनी जाने टर्मिनेट होगी, एजेंसी ऑफिस एजेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है, जाना है जाइए, नहीं तुम। रूल होते हैं ना कंपनी के, तो रूल तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कोई समस्या है हमें बताओ, और बताने के बाद अगर बड़ी समस्या है 10-5 दिन का टाइम भी देना पड़ेगा। हाँ, खाने से जुड़ी है तो 1 घंटा भी नहीं बर्दाश्त करो, कोई दिक्कत नहीं, सेम टाइम बताओ सेम टाइम करेंगे, ठीक है। बाकी सैलरी का टाइम 11 से 20 के बीच होता है, कभी कभी 2-4-5 दिन लेट हो सकती है, और सैलरी आपकी अभी ऐसा नहीं होगा कि 1 रुपये भी मरेगी, दिक्कत होती है, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए, ठीक है। और कुछ पूछना है, जाना चाहते हो कोई दबाव, कुछ कुछ नहीं ना। आप सोएब नजर जी को जानते हो, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं, जो इंटरव्यू लेने आए थे, उनसे जाके बताइए, नहीं तो आप आपको कैम बॉस है उनसे बताइए, ट्रांसलेटर हैं रुखसाना जी हैं उनसे बताइए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं सॉल्व होती हमसे जाइए।